जान को सारी हकीकत बता सकूं। अगर आपने हीरा से शादी नहीं की तो हमारा घर तबाह हो जाएगा, बाबा जान खुद को खत्म कर लेंगे। आपको अंदाजा है कि बाबा जान हीरा को कितना चाहते हैं? तुम्हारे एहसानों का बदला बीवर इस जिंदान में अपने अल्फाज के सिवा और कुछ नहीं दे सकता। इन पर शक करना मेरी बहादुरी और सच्चाई की तौहीन है। अगर कोई बर्बर तुम्हारे खिलाफ आए से परेशानी हो तो उसका सर मैं यहां देखने का मत बनी हूं। जाओ। गांव से बाहर निकालने के लिए कहा तो आपने मेरी बात नहीं मानी, और वो सूबेदार से घर वापस लेने के लिए कहा तो आपने दलीलें देकर मुझे खामोश कर दिया। देखो प्यारा, इंसान को हर खेल उस तरह खेलना चाहिए कि उसकी सारी की सारी डोरियां उसके अपने हाथ में हो। तो मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा। थैंक यू। एक इतराफ करना चाहता हूं तुम्हारे सामने। जी फरमाइए। नो सर, आई एम स्टिल समथिंग। जब तक ये वर्दी मेरे जिस्म पर है उस वक्त तक मेरा हाथ फजल चकी ग्रेवान की तरफ बढ़ता रहेगा। इस घर में जो थोड़ी बहुत रोशनी है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। ये दुनिया तो मुझ जैसे, अकबर जैसे दरिंदों और भेड़ियों से भरी हुई है। बस हम सिर्फ ये बोलेगा कि दुर्रुक और बानुल को अल्लाह ताला ने एक दोनों के लिए जोड़ा पैदा किया है। समझ गया? देखो मुराद, मेरा और तुम्हारा इस गांव में रहना तुम्हारे लिए न सही, मेरे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। मैं केस उस वक्त तक अपने हाथ में नहीं लेता जब तक मुझे अंदाजा ना हो कि इस मसले का हल सिर्फ मौत है। इसीलिए तो फोन किया है तुम्हें कि जरा देख लूं मेरे इस्तकबाल के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं या कोई कमी रह गई है। जनाब, सारे इंतजामात मुकम्मल हैं। अच्छा ये बताओ, तुमने क्या एहतमाम किया है? बस मालिक साहब, एक एहतियात कीजिएगा, पुलिस को खबर ना हो। अगर यहां की पुलिस को खबर होगी ना तो ये तो मुझे चौराहे पर लटका देगी। लंदन की एक बहुत बड़ी फर्म है जो 90,000 पीसेस का ऑर्डर दे रही है, और ये शिपमेंट हमने 25 डेज में पूरा करना है। ये हमारे लिए चैलेंज है। वैसे आप मुझे खूब समझती हैं। लो, क्यों ना समझूंगी, बड़ी बहन हूं तुम्हारी। चांद निकले किसी जानिब तेरी ज़ेबाई। इरम, मरहम की तो मैं तुमसे तौखु नहीं रखता, कम से कम मेरे जख्मों को नासूर तो ना बनाओ तुम।